हेलो एवरीवन, अगर आप 2023 में एक्सट्रीम या एक्सट्रीम 160R को भी परचेज करने वाले हैं तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ज्यादा नहीं बस 2 मिनट का यार, और आप श्योर हो जाएंगे आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रीम के डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला है चेन वॉइस। देखो, मैं शुरू से ही एक्सट्रीम पे वीडियो बनाते आ रहा हूं, और मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स चेन वॉइस प्रॉब्लम का ही आता है। बट आजकल की सारी बाइक्स में ये पोर्शन एक्सपोज ही रहता है, तो उसी से चेन पे गंदगी चिपक जाती है और ज्यादा हो जाने पे रिंग्स खराब हो जाते हैं, एंड दैट्स द रीजन ऑफ चेन नॉइज। सो इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना भी जरूरी है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा जो मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स आता है वो है इंजन नॉइज का। ऐसा लगता है जैसे इंजन में कुछ आयरन के पार्ट्स आपस में टकरा रहे हों। बट ये ना ही बाइक की गलती है और ना ही आप लोगों की, ये गलती सर्विस सेंटर वालों की होती है। मेंटेनेंस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आयल फिल्टर को क्लीन करना होता है, जो कहीं कहीं पे सर्विस सेंटर वाले नहीं करते हैं, एंड दैट्स द रीजन कि इंजन से नॉइज आने लगता है। तो अगर बाइक आपकी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। आप वहाँ पे खड़े होकर सर्विसिंग कराइए, जिससे आपको भी कुछ सीखने मिलेगा अपने बाइक के बारे में। और बेस्ट सर्विसिंग कैसे कराना है उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो डाला है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रीम की एडवांटेजेस की। ये मशीन बहुत अच्छी खासी टॉप स्पीड भी निकाल लेती है, लाइक 128 किलोमीटर पर आवर तक की। वैसे मेरी 133 तक भी चली जाती है, मैंने प्रूफ के साथ वीडियो भी डाला है। और बहुत अच्छी खासी माइलेज भी निकाल लेती है, लाइक हाई आरपीएम पे भी 40 km/h और आइडल पे तो 50 km/h तक निकाल लेती है। सेकंड, स्टेबिलिटी, जिस पे कभी भी कोई बात नहीं करता। लाइक एक्सट्रीम पे आप 120 प्लस भी जाओगे तो कभी भी डर नहीं लगता है, काफी स्टेबल चलता है। मुझे इस बाइक पे आज तक इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम कभी नहीं मिला, इवन तो टॉप स्पीड में भी। हाँ, कभी कभी मुझे कमेंट्स आते हैं कि भैया इंजन काफी हीट हो रहा है, वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, जो ठीक भी हो जाएगा और नॉर्मल है। बट ऑन अ रेगुलर बेसिस इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक्सट्रीम स्टील एडिशन 2.0 हो या एक्सट्रीम 160R को भी कनेक्ट परचेज करते हो, तो आप बाइक को फोन से पेयर कर सकते हो, जो इस सेगमेंट में कोई नहीं देता, और ये डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। लाइक बाइक की लाइव लोकेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जो सच में बहुत इंप्रेसिव हैं। मैं अपनी एक्सट्रीम 35,000 किलोमीटर प्लस चला चुका हूं, और मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इस बाइक को धक्का मार के कहीं ले जाना पड़ा हो। चाहे कोई बाइक हो, अगर आप उसको हमेशा मेंटेन रखोगे तो वो भी अपना लिमिट क्रॉस करने के लिए रेडी है। सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट।